नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व की, इसके पूजा विधान की और इस दिन किए जाने वाले उपायों की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 9:57 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः काल 10:41 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:20 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 8 मार्च 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा और मंगल विद्यमान है मकर राशि में, सूर्य शुक्र शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व है क्या और शिवरात्रि के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे मनाते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। माना जाता है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, प्रकाश के लिंग के स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन की जो शिवरात्रि है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का प्राकट्य तो हुआ ही था, इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत उपवास मंत्र जप और रात का जागरण करना बड़ा अच्छा होता है। महाशिवरात्रि पर अगर आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस बार महाशिवरात्रि पर्व का जो संयोग है वो 8 मार्च को है, 8 मार्च को इसका पालन किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा, काफी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर दही अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्रा में सावधानी रखें, जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे। देखिए, प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लेंगे, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, इसके बाद शिव जी को जल अर्पित करेंगे, इसके बाद भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शिव की पूजा करेंगे और भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे वैसे तो भगवान शिव के मंत्र हैं, लेकिन नमः शिवाय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सिद्ध मंत्र है, तो नमः शिवाय का जितना संभव होगा उतना जप करेंगे। रात के समय में शिवरात्रि पर पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो शिवरात्रि की रात को भगवान शिव की पूजा जरूर करेंगे, शिव मंत्रों का जप करेंगे। इसके अलावा आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, चंद्रशेखराष्टक पढ़ सकते हैं, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, यानी रात को आपको पूजा जरूर करनी है। शिवरात्रि पर आपने दिन में कितनी भी पूजा कर ली, अगर आपने रात को पूजा नहीं की तो पूजा का विशेष फल आपको प्राप्त नहीं होगा। रात के चार पहर में भी भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, इन चार पहर में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पहले पहर में दूध से, दूसरे में दही से, तीसरे में घी से और चौथे में शहद से भगवान शिव की पूजा की जाती है। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जैसा आपको बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में बड़ा मूल्यवान है, बड़ा पवित्र है, तो महाशिवरात्रि के पर्व पर तमाम समस्याओं से
मुक्ति पाने के प्रयोग भी किए जाते हैं। तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि महाशिवरात्रि पर आप सुबह पूजा करते हैं नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन महाशिवरात्रि पर रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करना, उनकी उपासना करना, उनके मंत्रों का जप करना बहुत शुभ होता है। महाशिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, काम का दबाव रहेगा, हालांकि धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर गन्ने का रस अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, करियर के मामले आपके हल होंगे, नौकरी में आपको नए अवसर मिलेंगे। भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। भगवान शिव को अगर सुगंध अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कौन सा विशेष प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए, जैसा मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि शिवरात्रि पर मध्य रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी होती है, ज्यादा लाभकारी होती है, इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको करनी चाहिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करें, फूल अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे और भगवान शिव और मां पार्वती का संयुक्त रूप से सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। तो मध्य रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपकी तमाम कामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से काम करना विशेष लाभकारी होता है। देखिए, अगर आप चाहें तो महाशिवरात्रि पर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये शिवलिंग 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि पर अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करना बहुत अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करने से
कामनाएं पूरी होती हैं और महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में जग करके आप साधना करें, आप उपासना करें, आप तपस्या करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शिवरात्रि पर बेलपत्र ले लें, उस पर चंदन से राम लिखें और ये बेलपत्र अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो तमाम मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। 108 बेलपत्र या अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें, हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें, आपकी कामना पूरी होगी। शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए और इसको निर्धनों में लोगों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हैप्पीनेस आती है, खुशहाली आती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव की अगर आप आरती करें तो आपका कल्याण और मंगल होगा। मकर राशि, काम में आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को तिल और जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर चंदन अर्पित करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। देखिए, महाशिवरात्रि पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं शीघ्र विवाह के लिए। तो अगर कोई बालिका है, कोई कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले ले, हर बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम लिखे और इसके बाद एक एक करके नमः शिवाय कहते जाए और एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए शिवरात्रि के अवसर पर, कोई बालिका ऐसा प्रयोग खास तौर से शिवरात्रि की रात को करे तो उसका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपका मधुमेह, आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो गेहूं के आटे के बजाय बाजरे का आटा, जौ का आटा, मक्के का आटा या मिश्रित अनाज की रोटी खाइए और कच्ची सब्जियां और सलाद खाना शुरू करिए, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं दिनांक 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
दिनांक 8 मार्च शुक्रवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।